नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग्रो मिस्त्री। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको कार के म्यूज़िक सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि हम इसको घर पे कैसे चला सकते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसान। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम नुकसान जान लेते हैं। फ़ायदे मैं बाद में बताऊँगा आपको इसके कि फ़ायदे क्या हो सकते हैं इसके। देखो नुकसान इसका ये है, ठीक है, सबसे पहली बात तो हम कार जो हमारा म्यूज़िक सिस्टम है कार का, उसको चलाने के लिए हम पावर कहाँ से दें इसको। ठीक है, काफ़ी सारे मेरे भाई बोलते हैं कि हम सप्लाई देंगे, ठीक है, एसी टू डीसी कन्वर्टर लगा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, इतने एम्पेयर का बनवा लेंगे, उतने एम्पेयर का बनवा लेंगे। भाई जितने मर्जी एम्पेयर का बनवा लो, नहीं चल पाएगा ढंग से, उसके अंदर डिस्टॉर्शन आएगा या हमिंग की प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम उसके अंदर आएगी। जैसे हमिंग की प्रॉब्लम, मेरे भाई पूछेंगे हमिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, अर्थ प्रॉब्लम होती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा गैं पैं ये सब आवाज़ें आती हैं आपके सबवूफर या स्पीकर से, जब आप इनको घर पे चलाते हो वो हमिंग प्रॉब्लम होती है। फिर ये एम्पलीफायर जो होते हैं कार के एम्पलीफायर, ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये बैटरी पे ही अच्छे तरीके से चल पाएंगे। अगर जो आप कन्वर्टर से इनको पावर दे रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी इनकी गड़बड़ा जाएगी। इस चीज़ को मानेगा नहीं कोई, बट ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसको अगर चलाना है तो बैटरी पे चलाओ। दूसरी बात, अगर जो आप इसको सप्लाई मतलब ज़्यादा एम्पेयर देते हो तो इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दूसरी बात, आपकी सप्लाई भी बार बार ख़राब होती रहेगी, तो इसलिए थोड़ा सा खर्चा फालतू कर लो। अगर चलाना है आपको, बैटरी छोटी सी एक बैटरी ले आओ कार की, उसके ऊपर चला लो और उसके ऊपर एक चार्जर लगा दो छोटा सा, तो ये बेस्ट तरीका है। तो अब नुकसान इसके ये है कि जैसे मैंने बता दिया कि आपको इसके ऊपर खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा। सबसे पहला नुकसान, आपके पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। एक नॉर्मल सा म्यूज़िक सिस्टम बनाने में भी आपका 15,000 से 20,000 रुपये खर्चा आ जाएगा, एक नॉर्मल सा, अगर जो अच्छा सिस्टम बनाना है आपको। ठीक है, तो वो वहाँ पे पैसा ख़राब हुआ आपका। उसके बाद इनसे आप घर के अंदर क्वालिटी नहीं ले सकते। कुछ भाई मेरे बोलेंगे कि हाँ भाई हम क्वालिटी इससे ले सकते हैं, बट मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि इससे क्वालिटी हम क्यों नहीं ले सकते। जैसे हमारे ये सबवूफर होते हैं ना, मान लो हमारा ये सोनी का सबवूफर है ये वाला, इसकी मैक्स पावर 400, 450 या 420 जो कुछ भी है इसकी है मैक्स पावर। ऐसे ही इनकी एक मिनिमम पावर होती है कि आपको इस सबवूफर को इतनी पावर देनी ही देनी पड़ेगी, तब जाके ये अपनी क्वालिटी आपको दिखा सकता है। अदरवाइज अगर उससे कम पावर दोगे तो ये आपकी कुछ फ्रिक्वेंसियाँ जो होंगी वो आपकी नहीं निकाल पाएगा, वहाँ पे हमारी क्वालिटी में गड़बड़ हो जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा नुकसान ये है। तीसरा नुकसान ये है कि जब आप इसकी फुल वॉल्यूम करते हो तो ये शोर बहुत ज़्यादा करते हैं घर के अंदर। अब ये आप बोलोगे कि कार के अंदर तो ये इतना शोर नहीं मचा पाते। भाई कार हमारी देखो, अब ये कार के हिसाब से ही डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है, ये कार के अंदर अच्छे तरीके से चलेंगे। इसका एम्पलीफायर भी कार के हिसाब से है, स्पीकर भी कार के हिसाब से है, सबवूफर भी कार के हिसाब से है, और जो सबसे बड़ी बात होती है, कार हमारी साउंड प्रूफ होती है। ठीक है, तो कार जो होगी वो साउंड प्रूफ होगी, जिसकी वजह से हमें क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी इनसे मिल जाती है। तीसरी बात ये होती है कि कार जो है हमारी, उसका कैबिन बहुत छोटा होता है घर की बजाय, इसलिए उसके अंदर जो बेस की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो खुद ब खुद एक इनक्लोजर बन जाता है कार। ठीक है, तीसरी बात फिर ये आएगी हमारी, जो आप घर के लिए चूज करते हो उनको घर के हिसाब से ही डिज़ाइन करो। उनके इनक्लोजर घर के हिसाब से होने चाहिए, आपके रूम का जो एरिया है उसके हिसाब से होना चाहिए कि आपके रूम में एरिया कितना है। ठीक है, और अभी मैं आप लोगों को इसको चला के भी दिखाऊंगा, एक खाली एरिया में चला के दिखाऊंगा, फिर एक अलग एरिया में मैं आपको चला के दिखाऊंगा इसको कि ये कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इसका फ़ायदे क्या है, फ़ायदे सुन लो, फ़ायदे क्या है इसके। फ़ायदा सिर्फ इसका एक है कि अगर आपको अपने पड़ोसियों को तंग करना है तब आप इसको बजा सकते हो, इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर जो आपको अब किसी के साथ अपनी खुंदस निकालनी है कि हाँ भाई मैं तो बजाऊंगा और उसको तंग करूंगा, तब इसका फायदा है, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं है। इतने पैसों में आप एक अच्छा होम थिएटर ले सकते हो, जिसकी बेस भी अच्छी होगी और क्वालिटी भी अच्छी होगी। लाइक हमारे सोनी के आते हैं, फिलिप्स के आते हैं, लॉजिटेक के आते हैं, बहुत सारे हैं हमारे जो
होम थिएटर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो घर के अंदर, वो लो, उनकी क्वालिटी एकदम जबरदस्त है, वो ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये क्वालिटी नहीं देंगे, पर इनको उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा, ये चीज है। आप डायरेक्ट कार से उतारते हो, लगाते हो, बजा लेते हो, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, इनकी एक मिनिमम पावर होती है, जहां तक आप सुनना, जहां तक आपको क्वालिटी मिल सकती है घर के अंदर, वहां तक ये परफॉर्म भी नहीं कर पाते। फिर उससे ज्यादा पावर देते हो, सब वूफर आवाज ज्यादा देता है, बेस ज्यादा देता है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो यही एक चीज है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं आपको क्या करूंगा, इसको ना आपको चला के दिखाऊंगा एक बार तो ऐसे ही चलाऊंगा मैं इसको, ठीक है, सामने जो रखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा ना कार में और घर में क्या फर्क होता है। वो चीज आपको सुनाई दे शायद ना दे, बट मैं एक बार फिर भी आपको बेस की टेस्टिंग इसकी करवा दूंगा कि घर के अंदर ये कैसा चलेगा। तो अभी मैं एक सॉन्ग चलाता हूँ, उस सॉन्ग को आप सुन लेना खुद। पहले तो मैं इसको टेबल पे रख के बजाऊंगा, फिर इसको मैं टेबल के नीचे रख के बजाऊंगा, दोनों में फर्क आप खुद देख लेना क्या होगा। तो दोस्तों, अब मैं इसको टेबल के नीचे रखूंगा और फिर मैं आपको यही सॉन्ग बजा के दिखाऊंगा एक बार कि ये सॉन्ग कैसा बजेगा। मैं एक बार वहीं पे सेट कर देता हूँ सॉन्ग को जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो ये वहीं पे सेट हो गया। अब मैं इस इनक्लोजर को टेबल के नीचे रख रहा हूं, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी सुनना, अब मैं यही सॉन्ग चला रहा हूं दोबारा। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे ये काम होता है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि अगर जो आप कार का बेस अपने घर के अंदर चला रहे हो, तो किसी ऐसी जगह पे रखो उस बेस को कि जहाँ पे उसको एक अच्छा सा कैबिन मिल जाए, कहने का मतलब एक जगह मिल जाए अपनी बेस को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो एयर होती है इनक्लोज़र की, वो एयर आपकी बेस को ऑटोमेटिकली ज़्यादा बना देती है। मतलब उस एयर का क्या काम होता है कि जैसे कोई रूम है, तो वो उस रूम का भी जो है इनक्लोजर बनाने की कोशिश करेगा। जैसे हमारे 6th ऑर्डर होते हैं, 8th ऑर्डर होते हैं हमारे इनक्लोजर, 4th ऑर्डर होते हैं, ऐसे ही एक इनक्लोजर हमारा बनाने की कोशिश करता है हमारा एयर पास, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये कोशिश रखा करो कि किसी अच्छी सी जगह पे आप उसको रख सको। और दूसरी बात ये होती है कि ये डिज़ाइन होते हैं इनक्लोजर रूम के हिसाब से, कि आप कितने बाय कितने के रूम में कौन सा सबवूफर या कौन सा इनक्लोज़र या कौन से स्पीकर आप अच्छे तरीके से चला सकते हो। इसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं होती, चलाने को सब चलता है यार, चलाने को देखो जिसको सुनना है। अब मान लो आपके पास कार का म्यूज़िक सिस्टम पड़ा है और वेस्ट पड़ा है, वो चला लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेन चीज़ मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो आपको साउंड क्वालिटी चाहिए और इसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, तो मत करना। हमें इससे अच्छे सबवूफर मिल सकते हैं, स्पीकर मिल सकते हैं मार्केट से घर के लिए, ठीक है। अगर जो ये इतनी अच्छी क्वालिटी दे पाते ना, तो जो स्टूडियो के स्पीकर होते हैं हमारे, वूफर होते हैं, तो एक एक 1.5-1.5 लाख रुपए के नहीं आते वो। और वो सिर्फ कितने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, 8-8 इंच के होते हैं, 6-6 इंच के होते हैं सबवूफर उनके, स्पीकर उनके, और प्राइस उनकी 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 50,000। 50,000 से तो नॉर्मली स्टार्टिंग है उनकी, जो स्टूडियो स्पीकर्स होते हैं जहाँ पे हमारे सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है उस चीज़ की कि हर एक फ्रिक्वेंसी हमें क्लियरली सुनाई दे। और जो उनका रूम होता है वो भी फुली हमारा एकॉस्टिक होता है रूम, जहाँ पे कोई आवाज़ हमारी बिना मतलब की नहीं आती, जो आवाज़ आई है वही सुनेगी, अदरवाइज कहीं भी टकरा के वो आवाज़ वापस नहीं आएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, और जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, बाय बाय।